मीटियोर यानी कि शूटिंग स्टार। मूवीज में हमने इसे काफी बार देखा है। इसे देख के विश मांगो तो पूरी होती है कि नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि मुंबई से अराउंड 500 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के बुलदाना डिस्ट्रिक्ट में एक 1.8 किलोमीटर डायमीटर का क्रेटर है, जो लगभग 50,000 साल पहले बना, जब एक मीटियोरॉइड पूरा बर्न होके शूटिंग स्टार यानी मीटियोर नहीं बन पाया और यहाँ आके गिरा। आज अगर आप वो स्पॉट विजिट करोगे तो आपको वहाँ एक लेक मिलेगा, लोनार क्रेटर लेक। इस लेक की खास बात यह है कि ये एक क्रेटर लेक है। क्रेटर लेक को समझने के लिए पहले मीटियोरॉइड्स को समझना होगा। मीटियोरॉइड्स रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कॉमेट्स या एस्टेरॉइड्स से टूट के अलग हो जाते हैं। अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करने पर ये मीटियोरॉइड्स फ्रिक्शन के कारण हीट होकर आग पकड़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू नासा, मीटियोरॉइड्स और एटमॉस्फेयर की गैसेस के बीच फ्रिक्शन के चलते ये मीटियोरॉइड्स बर्न होते हैं, जबकि एक थ्योरी ये कहती है कि ये मीटियोरॉइड्स रैम प्रेशर की वजह से बर्न होते हैं। ये जलते मीटियोरॉइड्स को मीटियोर्स या शूटिंग स्टार्स कहते हैं। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि मीटियोरॉइड पूरी तरह से बर्न नहीं होता और धरती पर आ गिरता है। ऐसा हो तो फिर उसे मीटियोराइट कहते हैं। लेकिन जो चंद मीटियोराइट्स धरती पर हैं, उनमें से एक महाराष्ट्र में है और इसका कुछ ऐसा इम्पैक्ट रहा कि उस स्पॉट पर 1.8 किलोमीटर के डायमीटर का डिप्रेशन क्रिएट हो गया था। लेकिन इसकी पहचान कैसे हुई? 1823 में ये क्रेटर एक यूनिक जियोग्राफिकल साइट के तौर पे ब्रिटिश ऑफिसर CJE अलेक्जेंडर द्वारा आइडेंटिफाई किया गया था। लोनार क्रेटर डेकन प्लेटो में है और क्योंकि ये बेसाल्ट फील्ड में लोकेटेड है, इसे वोल्केनिक क्रेटर समझा गया था। लेकिन बाद में ये माना गया कि ये क्रेटर एक मीटराइट की वजह से बना है। ये क्रैश कितने टाइम पहले हुआ, इसके कई अंदाजे लगाए गए हैं। ज्यादातर सोर्सेस कहते हैं कि ये क्रैश लगभग 50,000 साल पहले या उसके आसपास कभी हुआ था, लेकिन एक स्टडी मानती है कि ऐसा लगभग 5,70,000 साल पहले हुआ था। माना जाता है कि 1 से 2 मिलियन टन के वजन वाला ये ऑब्जेक्ट 90,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गिरा था। इतने ज्यादा वेट और स्पीड से गिरने का कुछ ऐसा इम्पैक्ट रहा कि उस स्पॉट पर 1.8 किलोमीटर वाइड और 150 मीटर डीप डिप्रेशन बन गया। एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के एक जर्नल के अनुसार दो फाइंडिंग्स इस बात को कंफर्म करती हैं कि ये क्रेटर एक इम्पैक्ट के जरिए बना है। पहली फाइंडिंग, लोनार क्रेटर के रॉक सैंपल्स में स्ट्राटाकोन्स का मिलना, ये हाई वेलोसिटी के शॉक से फॉर्म होते हैं। और दूसरी फाइंडिंग मैस्कलिनाइट का होना। स्टडीज में इस साइट से जो रॉक सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे, उन्होंने मैस्कलिनाइट की प्रेजेंस को पुख्ता किया है। मैस्कलिनाइट का होना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि नासा के मुताबिक मैस्कलिनाइट एक नेचुरल ग्लास होता है जो सिर्फ बहुत ज्यादा वेलोसिटी के इम्पैक्ट से ही बनता है। 1973 में पब्लिश हुए साइंस नाम की एक मैगजीन के एक आर्टिकल में ये कहा गया है कि मैस्कलिनाइट की मौजूदगी और वोल्केनिक बेसाल्ट में इस क्रेटर का होना ये सजेस्ट करता है कि ये मून के सरफेस पे इम्पैक्ट क्रेटर्स के जैसा हो सकता है। IIT बॉम्बे की एक स्टडी से ये रिवील हुआ है, लोनार क्रेटर के मिनरल्स अपोलो प्रोग्राम के दौरान लाए गए मून रॉक के मिनरल से मिलते जुलते हैं। लोनार लेक का इकोसिस्टम काफी अलग है। लोनार क्रेटर लगभग 150 मीटर डीप है। यहाँ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी पाए जाते हैं जो बहुत रेयर हैं। और इस लेक की एक बहुत खास बात ये भी है कि इसका पानी सलाइन भी है और अल्कलाइन भी। कुछ महीने पहले इसकी पानी की वजह से इस लेक की चर्चा न्यूज में भी हुई थी। कुछ ऐसा हुआ था जिससे लोकल्स के साथ साथ साइंटिस्ट भी हैरान थे। इस लेक के पानी का रंग पिंक हो गया था और सबके मन में यही सवाल था कि ऐसा क्या हो गया कि लेक का कलर ऐसे बदल गया। एक पुणे बेस्ड इंस्टीट्यूट ने रिसर्च की और ये कंक्लूड किया कि हैलोआर्किया नाम के माइक्रोब्स की वजह से ये हुआ था। हैलोआर्किया पिंक पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं और ये उसी तरह के पानी में पाए जाते हैं जहाँ सॉल्ट ज्यादा हो। कुछ साल पहले लोनार लेक की कंजर्वेशन के लिए इसे लोनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हिस्सा बनाया गया। बैट्स, लंगूर, स्नेक्स, लिजर्ड्स और खूब सारी बर्ड्स की स्पीशीज इधर पाई जाती है। अलग सा इकोसिस्टम, आसपास फ्लोरा और फौना की डाइवर्सिटी और मोस्ट इंटरेस्टिंगली हजारों साल पहले एक सेलेस्टियल इवेंट की वजह से इसका निर्माण होना, ये सारी बातें लोनार लेक को एक काफी यूनिक स्पॉट बनाती है।